हेलो एवरीवन, फिर से वेलकम आप लोगों को। आज के जो नया टॉपिक में आज के क्लास में नया टॉपिक बोलने वाला वो है व्हाट इज रिस्क और कैसे रिस्क को हम मैनेजमेंट कर पाएंगे। मतलब आपका कोई भी प्रोजेक्ट जब का प्रोग्रेस होगा या फिर आपका कोई भी एक्टिविटी जब प्रोग्रेस होगा उसके हिसाब से प्रोजेक्ट में कोई भी कुछ भी रिस्क आ सकता है। ओके, वो कैसे वो रिस्क आएगा, वो कैसे हम उसको हैंडल कर पाएंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट उसको कैसे हम हैंडल करके उसको इम्प्लीमेंटेशन कोई भी प्लान ला कर उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रिस्क को नेग्लिजिबल करने के लिए या फिर इसको रिड्यूस करने के लिए, वो सब हम जानेंगे। ओके, तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक चीज है, मतलब मॉनिटरिंग करने वाला चीज है। तो पहले हम आप हो सके तो कभी एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए कि आज की क्लास में मतलब रिस्क मैनेजमेंट हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हाउ प्रोजेक्ट रिस्क कैन मैनेज, मतलब कैसे आप लोग कोई भी रिस्क को मैनेज कर पाओगे, वो सब नंबर 1। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग रिस्क, मतलब रिस्क क्या है इसको समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसका कुछ रिस्क को निगोशिएबल करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए सब कुछ स्टेप लिया जाएगा। वो है अंडरस्टैंडिंग वाला रिस्क, अंडरस्टैंडिंग रिस्क इसके लिए नंबर 1 हो गया प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज कर पाएंगे प्रोजेक्ट को वो। देन अंडरस्टैंडिंग रिस्क, देन नंबर 3 में लिख लीजिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर, मतलब प्रोसेस कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, अलग अलग प्रोसेस होगा वो हम बाद में बोलेंगे, अभी तो इसी क्लास में बोलेंगे। नंबर 3 के बाद आएगा नंबर 4, हाउ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आर फॉलोड। ओके, और नंबर 5 क्या है तो आप लोगों को दिखाएंगे कि ब्रेविरा में घुस के कैसे उसको एंट्री कर दिया जाएगा वो सब। तो फिलहाल ये सब प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट में, तो हम ये नंबर 1, 2 और 3 हम बोलेंगे, हाउ प्रोजेक्ट रिस्क कैन मैनेज, अंडरस्टैंडिंग रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर। तो देखिए क्या है कि देखिए तो रिस्क क्या है, देखिए एक लाइन में बोलेंगे तो रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, बट इफ इट हैपेंस इट कैन इम्पैक्ट आवर प्रोजेक्ट नेगेटिवली और पॉजिटिवली। मतलब रिस्क एक मतलब अचानक एक इवेंट, मतलब एक वन टाइप ऑफ एक्टिविटी या फिर कुछ रिजल्ट है या फिर कुछ इवेंट बोल पाएंगे, क्या है कि वो अनसर्टेन होता है, मतलब तो इसका कोई टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं बनता ये। ओके, प्रोजेक्ट चलते वक्त आपको कहीं भी रिस्क मिल जाएगा, मतलब रिस्क आ जाएगा है ना, तो उसको हम मतलब रिस्क आने के बाद प्रोजेक्ट में एक हो सकता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में कुछ बदलाव आएगा या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट में कुछ बदलाव आएगा, तो उसका इम्पैक्ट दो ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इधर लिखा गया है आप लोगों को रिस्क, व्हाट इज रिस्क, देन देखिए जनरली द रिस्क इज थ्रू ऑफ एन इवेंट दैट मे कॉज पोटेंशियल प्रॉब्लम। मतलब खुद रिस्क आके मतलब कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। नंबर 1, नंबर 2, सीन्स द रिस्क मीन्स इट हैपेंस, इट मीन्स इफेक्ट आवर प्रोजेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। मैंने वो जो बोला वही बोला है, इधर बोला गया है कि आप रिस्क आएगा तो फिर इसका बात पॉजिटिव वे भी है और नेगेटिव वे भी है इसका। रिस्क मे बी थ्रेट और इट मे बी अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब इसमें प्रोजेक्ट का कुछ दिक्कत भी हो सकता है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होने के लिए, मतलब इसको थ्रेट भी बोला जा सकता है और अपॉर्चुनिटी भी बोला जा सकता है। और एक बात चीज, रिस्क कोई भी प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग और ड्यूरेशन को बहुत मतलब मेन जो प्रॉब्लम होता है किसके मतलब जो रिजल्ट आने वाला है उसके हिसाब से, कॉस्टिंग के हिसाब से और कॉस्टिंग बजटिंग ये सब के हिसाब से और ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से है ना, तो ये दोनों चीज इफेक्ट कर सकता है रिस्क की वजह से। ओके, या फिर अलग अलग करके ये इफेक्ट कर सकता है और या फिर दोनों एक साथ भी इफेक्ट हो सकता है, तो वही लिखा है ये रहा
रिग्स में इफेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट और ड्यूरेशन, और इट कैन इफेक्ट बोथ ड्यूरेशन एंड कॉस्ट एट सेम टाइम। ये हो गया। तो उसके बाद आएंगे हाउ रिग्स मैनेजमेंट प्रोसेस वर्क। तो ये हम अभी तक जान लिए व्हाट इज रिग्स क्या है, उसका जान लिए कि रिग्स कैसे आ सकता है, ठीक है, उसका तो कैसे वो आएगा, उसका टाइप ऑफ क्या, कैसे वो हैंडल होगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो सब जान लिए अभी तक। और अभी हम देखेंगे हाउ रिग्स मैनेजमेंट प्रोसेस। आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठाना होगा कि रिग्स मैनेजमेंट प्रोसेस, देखिए इधर लिखा हुआ है पांचों टाइप, मतलब ये पांच टाइप दिख रहा है, ये पांचों टाइप से ही रिस्क मैनेजमेंट को हम एक के बाद एक करके इसको एक के बाद एक प्रोसेस करके हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे या फिर नेग्लेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए पहले आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोई भी रिस्क जो है एक्टिविटी में उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन आइडेंटिफाई होने के बाद रिस्क को एनालाइज कर दिया जाएगा, मतलब उसको एनालाइज करने के बाद तब कैसे तब वो एनालाइज होता है वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए। तो ये आ गया सेकेंड प्रोसीड्योर, परफॉर्म रिस्क एनालिसिस। तब इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको क्या करने के लिए, देखिए ये एक कारण है रिस्क एनालिसिस का कारण है, किसका कारण है, प्लान रिस्क, प्लान रिस्क रिस्पॉन्स, मतलब वो जो रिस्क दिख रहा है उसको किस हिसाब से हैंडल करेंगे, उसका उपाय क्या है, वो जानने के लिए रिस्क को एनालिसिस करना जरूरी है। ओके तो नेक्स्ट आ जाता है प्लान रिस्क रिस्पॉन्स। ओके मतलब इसको देखने के बाद उसको उधर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। देन इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स, मतलब उसका रिस्पॉन्स जो हो रहा है वो रिस्पॉन्स को एकदम प्रोजेक्ट का हर एक एक्टिविटी पे इम्प्लीमेंट कर देना जरूरी है, मतलब लागू करना जरूरी होता है, नहीं तो रिस्क नहीं हटेगा। तो कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी स्टेप हो, पार्ट द लीगल सब कुछ का एक्टिविटी का हिसाब एक्टिविटी के हिसाब से वो आपका रिस्क में इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। बिना इम्प्लीमेंटेशन का रिस्क तो नहीं हटने वाला। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए इसके बाद मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग ऑन कंट्रोलिंग रिस्क, मतलब अगर रिस्क बहुत बड़ा है मतलब वो हटने वाला नहीं है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे, इसलिए रिड्यूस करने के लिए, मतलब अंत में कोई इफेक्ट आए तो कम आए या फिर थोड़ा रिड्यूस हो जाए वो सब के लिए, या फिर मॉनिटरिंग, मतलब मॉनिटर करने के बाद हमको वो कंट्रोलिंग ऑप्शन आता है। कुछ भी कोई कुछ भी चीज़ का हो पहले मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कुछ इफेक्ट मतलब कुछ डाल मतलब कुछ इफेक्टिव वे लागू करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद दिन हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये पांचों प्रोसेस हमने बोल दिया, इसको ध्यान से आप लोग याद रखना। ओके पहला था आइडेंटिफाई रिस्क, देन परफॉर्म रिस्क, देन प्लान रिस्क रिस्पॉन्स, इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोग को बोल देते हैं कि देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल ये थोड़ा सा अलग फील्ड का है। तो देखिए ये दिखा है, एज्यूम दैट वी आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मान लीजिए कि आप लोग को एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ऊपर काम कर रहे हैं, एक मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो काम कर रहा है एक बैंक के लिए, ठीक है। तो बैंक काम है कि जो मतलब उसका प्रोजेक्ट है कि जो सॉफ्टवेयर दिया गया है बैंक में उसको डेवलपमेंट करना, मतलब जो उसका पीसी के हिसाब से कंप्यूटर के हिसाब से उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मतलब देखिए सेकंड पॉइंट में दिखा है कि लिखा है कि सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू एनहेंस द डेस्कटॉप वर्जन, बट इन मेन गोल इज टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डिटेक्टिंग द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। मतलब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होने से बचने के लिए सॉफ्टवेयर ने कुछ काम चल रहा है, उसका काम कर रहा है, उसको डेवलपमेंट करने कर रहा है, उसका काम यही है। मतलब मेन जो मोटो है, एक्टिविटी है, वो नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च करना है जो फ्रॉड डिटेक्ट करता है, ठीक है, और जो मोबाइल डिवाइस पे भी वर्क करेगा। ओके तो
प्रोजेक्ट का नाम है, देखिए इधर दिख रहा होगा थर्ड पॉइंट में, प्रोजेक्ट का नाम ये है क्रेडिट कार्ड फॉर डिटेक्शन सिस्टम। तो ये बनाएंगे मेनली, उसका मेन प्रोजेक्ट है क्रेडिट कार्ड फॉर डिटेक्शन सिस्टम। तो ये नाम हो गया। देन अब ये मानिए कि आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर हो टॉप लेवल का, एंड मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड टू हैव रिपोर्ट ऑन द रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट रिस्क विद इन वीक टाइम। तो 1 हफ्ते के अंदर वो जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हो रहा है उसका आपको रिस्क एनालिसिस करके देना होगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देन आप लोगों को प्रोजेक्ट रिस्क मैनेज रिस्क का एक रिपोर्ट बनाना होगा। तो देखिए उधर जो रिस्क होगा, मतलब जो रिस्क का रिपोर्ट बनेगा, उधर आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप कैसे उसको हैंडल करोगी, या फिर उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसको कैसे रिड्यूस करना आप करोगे, वो सब ऐसा कॉस्टिंग और ड्यूरेशन कितना इफेक्ट आएगा, वो सब कुछ बना के आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया, तो इसको हम थ्योरेटिकल देखेंगे तो कैसे आएगा। देखिए ये मैंने बना लिया एक चार्ट। ये रिस्क, देखिए रिस्क तो पहले नंबर तीनों टाइप का इधर रिस्क आएगा आप लोगों के सामने। ये तीनों टाइप का रिस्क मान लीजिए आएगा। ओके, लेट्स से नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, मतलब मोबाइल डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज है बहुत ही कम है, मतलब लिमिटेड है। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट वो भी थोड़ा रिस्क में डाल सकता है, मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सपोर्ट, मतलब सपोर्टिंग जो प्रॉब्लम है वो भी आ सकता है। और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हार्डवेयर वाला भी कुछ इशू भी आ सकता है। तो ये तीनों टाइप का प्रॉब्लम मान लीजिए, एक कोई भी, मतलब आपका जो मैं एग्जाम्पल बोला था फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के, तो उसका तीनों टाइप का मान लीजिए कि इसका रिस्क तीनों टाइप का है। ओके, तो तीनों टाइप का ही है। तो पहले और एक बार देखिए, रिस्क आप लोगों को मैंने पहले से बता दे रखा है कि रिस्क ये है। रिस्क ऐसा भी है, मतलब आप ये तो मैंने बोल दिया एक आईटी वाला, अगर कंस्ट्रक्शन वाला होगा तो मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइजर वो छुट्टी ले सकता है या फिर अचानक छोड़ दिया कंपनी। ओके, मतलब मान लीजिए नंबर 1 में आएगा लीविंग ऑफ सुपरवाइजर सडनली, ठीक है। ये तो आईटी वाला है, आप लोग कंस्ट्रक्शन वाला साइट से हो तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। देन नंबर 2 में हो सकता है कि मटेरियल की जो भाव है, मतलब कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल ज़्यादा बढ़ गया, अचानक मटेरियल प्राइस बहुत हाई आ गया। देन थर्ड में सकता है वेदर रिस्क, मतलब वेदर चेंज हो सकता है, फ्लड आ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आ गया कंस्ट्रक्शन, इधर जो मैंने अभी ने बोला वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के, सॉरी कंस्ट्रक्शन वाला कोई साइट पे होगा तो वो उधर ये सब रिस्क आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रोसीजर तो मैंने बोल ही दिया, पहले आइडेंटिफाई होने के हो जाने के बाद एनालाइज करना पड़ेगा, देन उसको ओवरकम करना पड़ेगा प्रॉपरली प्रॉपर वे में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देन हमको हर बार मॉनिटरिंग करना पड़ेगा एंड देन उसका कंट्रोल करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग रिस्क को। तो देखिए ये तो हो गया। तो ये वाला है जो हम एग्जांपल बता रहे थे, एग्जांपल के देखिए तीनों टाइप का रिस्क हमने बोल दिए। अभी हम बोलेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है, टाइम और कॉस्टिंग के हिसाब से क्या क्या चीज है, और रिस्क रैंक क्या है। आइडेंटिफाई हो जाने के बाद परफॉर्म और एनालिसिस करना पड़ता है। मैंने जो बोला था ये चार्ट आप लोगों को दिखा था मैंने, परफॉर्म रिस्क एनालिसिस। आइडेंटिफाई तो मैंने पहले कर लिए कि हम लोगों का तीनों टाइप का ये जो दिख रहा है इधर, तीनों टाइप का इधर रिस्क है, नंबर 1 2 3। अब बोलेंगे, अब कहा जाएंगे परफॉर्मेंस रिस्क एनालिसिस। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ये आइडेंटिफाई वाला रिस्क,
आइडेंटिफाई रिस्क हो गया, देन अभी हम बोलेंगे परफॉर्मेंस रिस्क एनालिसिस करेंगे, देन प्लान रिसर्च करेंगे, देन इम्प्लीमेंट रिसर्च करेंगे, एक एक करके करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये चल रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस रिस्क में एनालिसिस करेंगे। तो ये देखिए दो टाइप का होता है मेनली परफॉर्मेंस रिस्क एनालिसिस, मतलब एनालिसिस करने के कैसे तरीका दो होता है, एक है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, क्वालिटेटिव QUALITATIVE क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, और एक क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस QUANTITIVE क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ओके, मैंने अलग अलग करके बोल दिया है, तो अलग है क्वालिटी के हिसाब से, मतलब क्वालिटी के हिसाब से हाई रिस्क हाई है लो है, ओके, और या फिर मीडिया में वो जान पाएंगे, और क्वांटिटी मतलब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड वो में होगा, एंड कैलकुलेशन करके डाटा निकालने के बाद रिस्क को हम जब एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से बनेगा। देन आएगा प्लान, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो आएगा प्लान एंड रिसोर्स रिस्क रिस्पॉन्स प्लान। देन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क, मतलब कोई भी सोल्यूशन निकालने के बाद उसको स्पेसिफिक रैंक वाइज उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, किसके ऊपर किसके बाद किसका कौन सा रिस्क हम पकड़ेंगे वो, देन मॉनिटरिंग करेंगे मतलब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे, ये प्रोसीड्योर से हम गुजरेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके पहले देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो रिस्क है लिमिटेड रिसोर्सेज और मोबाइल डेवलपमेंट, इसके अंदर कितना प्रोबेबिलिटी है ये वाला रिस्क होने के, मतलब ऑकरेंस आने के लिए, तो वो हम डिसाइड करेंगे परसेंटेज के हिसाब से। ओके, तो मैंने आप लोगों के देखिए एक टेबल दिखा, इधर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए इधर दिख ही रहा होगा कि आप लोगों को कि परसेंटेज के हिसाब से, मतलब 0 से 10% आएगा तो नेग्लिजिबल रिस्क, 20 से 30% तो वेरी लो, 40 to 50% लो, 60 to 70% मीडियम, 70 से 80% हाई, और 90 से ऊपर अबव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट, देखिए टाइम एंड कॉस्ट मतलब वो उसका इम्पैक्ट देखेंगे, मतलब रिस्क आने से टाइम कैसे घटेगा और कैसा टाइम के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, या फिर कॉस्टिंग के ऊपर, ये पहला जो रिस्क दिख रहा है ये रिस्क से एक्टिविटी में कि टाइमिंग कितना, टाइम के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा इम्पैक्ट आएगा, और कॉस्टिंग के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा वो जानना जरूरी है। तो पहले मान लीजिए कि आपका प्रोबेबिलिटी है पहला जो दिख रहा है इधर उसका 75% आएगा, 75% आएगा लिमिटेड रिसोर्सेज और मोबाइल डेवलपमेंट में। ओके, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट में मान लीजिए इसका 60% होया कि प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, और मतलब 60% मतलब क्या था, मीडियम टाइप ऑफ रिस्क, और लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब हाई है बहुत हाई, और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना रिस्क आ सकता है, मान लीजिए इसका भी रिस्क आया 40%, हो गया। अब टाइम, पहले का जो लिमिटेड रिसोर्सेज और मोबाइल डेवलपमेंट का जो रिस्क है उसका मतलब टाइम के हिसाब से वो उसका रिस्क का इम्पैक्ट, ये जो बीच में दिख रहा है ये है इम्पैक्ट, टाइम के हिसाब से उसका इम्पैक्ट 9 और कॉस्टिंग भी 9 ये डाल दिया। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सिस्टम सपोर्ट के हिसाब से रिस्क का टाइम कितना मैनेजमेंट, मतलब टाइम का कैसे इफेक्ट आएगा उसको इम्पैक्ट 8 डाल दिया, और नेक्स्ट ये 6 डाल देते हैं। उसके बाद ये आ गया हार्डवेयर वाला, हार्डवेयर में इम्पैक्ट टाइम पे कितना आएगा 4 और ये 10, मान लीजिए इसका कॉस्टिंग आएगा 10, हो गया। और रिस्क रैंक क्या है, रिस्क रैंक इक्वल्स टू रिस्क रैंक है कि प्रोबेबिलिटी गुना करने, प्रोबेबिलिटी गुना टाइम और मल्टीपल करेंगे कॉस्ट करेंगे, तो फिर ये आएगा 6.75, ये आएगा रिस्क रैंक। ये रिस्क रैंक यूज होता है मतलब प्रायोरिटी, मतलब कौन सा रिस्क पहला है, पहले मतलब हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। तो ये तीनों से मतलब पहले तो मैं इधर तीनों दिखा रहा हूँ, हो सकेगा तो इधर 3, 4, 10 भी आएगा,
लीड्स बनाने के बाद कौन सा रिस्क को हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सी रिस्क को हमको पहले सॉर्ट आउट करना, मतलब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वो सब देखने के लिए रिस्क रैंक जरूरी है। तो फिलहाल ये मेरा सेकंड वाला बन गया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट देन थर्ड 16। तो पहले नंबर में क्या आ रहा है, 60.75 नंबर वन जो दिख रहा है इधर, ये सबसे ऊपर है, मतलब इसका कुछ सोल्यूशन निकालना जरूरी है। देन सेकेंड प्रायोरिटी है 28.8 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट का, देन थर्ड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हो गया, तो इम्पैक्ट की तरफ से हमने बोल दिए। अब हम बोलेंगे कि इम्पैक्ट की तरफ से बोल दिए, इस रैंकिंग के हिसाब से हमको प्रायोरिटी दिया कि कौन सा एक्टिविटी हाई है, कौन सा एक्टिविटी लो है। और एक चीज, रिस्क रैंकिंग जो दिख रहा है आप लोगों को, रिस्क रैंकिंग को बहुत जगह में एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग वैल्यू भी बोलेगा, कि EMV, ये भी बोल पाओगे आप लोग, एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग वैल्यू। तो ये बन गया रिस्क, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया परफॉर्म रिस्क एनालिसिस। ये रिस्क एनालिसिस बन गया, रिस्क रैंक मतलब रिस्क एनालिसिस करके वो बनता है, वो रिस्क रैंक देख के पता चलता है। तो सेकेंड वाला भी हो गया। देन प्लान रिस्क रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स दिख रहा है टैब, मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। एनालिसिस हो जाने के बाद उसके ऊपर रेस्पॉन्स करके उसको हटाया जाएगा, कि या फिर उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, सब कुछ उस स्ट्रैटेजी को ही में होता है, ठीक है। हर एक रेस्पॉन्स को मतलब अलग अलग करके, रिस्क का वो अलग अलग करके स्ट्रैटेजी को ही में बनता है। तो स्ट्रैटेजी को है तो बहुत सारा है, फिलहाल चार है अभी। नंबर वन अवॉइडिंग, अवॉइड मतलब रिस्क को अवॉइड, कुछ एक एक्टिविटी कर मतलब एक्टिविटी की कर दिया जाएगा, या फिर कुछ एक्टिविटी ला डिलीट कर दिया जाएगा, फिर लाया लाया जाएगा, कि उसके हिसाब से रिस्क जो आएगा वो अवॉइड हो जाएगा। देन आएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर जो जो भी रिस्क आएगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नंबर थ्री में आएगा रिड्यूस, मतलब जो भी रिस्क आएगा उसको हम रिड्यूस करके उसको रिड्यूस करके उसके बाद हमको उसको रिस्क एनालिसिस को हटाएंगे। और नंबर फोर में आएगा ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब कोई भी रिस्क जो आ रहा है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट में। ओके, तो ये चार स्ट्रेटेजी को में रिस्क को हम हैंडल कर पाएंगे। तो पहला है हमारा, क्या था पहला नंबर, नंबर वन पे लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ मोबाइल डेवलपमेंट। तो इसका कैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे, इसको हम रिस्पॉन्स करेंगे अलग वे पे, मतलब इसको एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब डेवलप क्रॉस प्रोजेक्ट एचआर प्लान और सिक्योर रिक्वायर्ड रिसोर्सेस फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट। इसको कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट, तो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, पहले जो रिस्क दिख रहा है तो उसको हम डेवलप एचआर प्लान के हिसाब से डेवलप कर देंगे, या फिर सिक्योर कर लेंगे रिसोर्सेस को अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से, अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको सिक्योर कर देंगे, तो उसका उपाय बन सकता है। तो ये जो मैंने बोला दोनों, ये जो मतलब उसका जो एक्टिविटी है या फिर जो तरीका है वो कैसे नंबर, मतलब ये कौन सा टाइप से जाता है, एक्सेप्टिंग
कुछ एक्सेप्ट करने के मतलब हिसाब से वो बनता है। ओके, एक्सेप्टेंस में ये आ जाता है। देन आएगा सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। इसका हम कैसे उपाय निकालेंगे, मान लीजिए ये जो आप लोगों को प्रोडक्ट दिख रहा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। कैसे ट्रांसफर कर देंगे, आउटसोर्स हायरिंग करेंगे और या फिर कुछ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे, कुछ अलग कोई देश से या फिर अलग कुछ कंपनी को हम दे देंगे। देखिए लिख दिया आउटसोर्स हायरिंग और रिक्रूट एक्सटर्नल टीम फॉर द अब्रॉड। ये क्या कौन सा टाइप में आता है, ये आता है ट्रांसफरिंग, द थर्ड पार्टी कोई कंपनी को हम सौंप दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, देन लास्ट में आता है रिस्क, थर्ड वाला रिस्क, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपाय कैसे निकालेंगे, मान लीजिए जो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, रिस्क दिख रहा है, उसको टेस्टिंग मतलब हम लोगों का जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस टीम है रेगुलरली इसको टेस्टिंग करके उसको हम उपाय बना लेंगे। तो वो कौन सा ईयर में आता है, रिड्यूसिंग, कौन सा एक्टिविटी में आता है वो रिस्क का, रिड्यूसिंग प्रोसीड्यूर में। तो ये बन गया तीनों टाइप, ये बन गया तीनों टाइप, ये तीनों टाइप से हम कोई भी रिस्क को प्लान मतलब उसका रिस्पॉन्स रिस्क की तरफ उसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो क्या क्या तो अभी तक क्या था, हमने बोल दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क को, देन रिस्क को कैसे एनालिस करना पड़ेगा, देन रिस्क उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद कोई भी रिस्क को हम कैसे उसका अलग अलग तरीके से हम उसको उसका रिस्पॉन्स कर पाएंगे, देन जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क। तो आज के लिए अभी हम इतना ही था, आज के क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।